मैं कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारों से पूछना चाहता हूं कि भाजपा ने ऐलान किया कि गुजरात में यकसां सिविल कोर्ट को बनाया जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट की बात की, क्या कांग्रेस पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट के खिलाफ है या खामोश बैठी रहेगी? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट के खिलाफ है और हम इसलिए खिलाफ हैं कि भारत के संविधान में, भारत के आईन में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा, उस संविधान की दफा 29 ये कहती है कि हम तमाम को अपनी तहजीब की हिफाजत की इजाजत है। और हमारी तहजीब क्या है? हमारी तहजीब हमारे सर पे टोपी, हमारी तहजीब हमारे चेहरे की दाढ़ी, हमारी तहजीब हमारा हिजाब, हमारी तहजीब हमारा चादर। हमारी तहजीब क्या है? हमारा मदरसे है। हमारी तहजीब क्या है? हमारे मस्जिदों को आबाद रखना, ये हमारी तहजीब है। अब कांग्रेस खामोश बैठी हुई है, भाजपा कहती है कि हमारी इस तहजीब को यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर खत्म कर दिया जाए। असदुद्दीन अवैसी भाजपा के इस ऐलान की मुखालिफत करता है कि यकसां सिविल कोड का निफाद का मतलब यह है कि हमको हमारी तहजीब को छोड़ना पड़ेगा। और भारत का संविधान ये कहता है कि आपका ये बुनियादी हक है, आपका फंडामेंटल राइट है, कोई भी हुकूमत आपसे आपकी तहजीब नहीं छीन सकती, मगर कांग्रेस पार्टी खामोश बैठी हुई है। आपका वोट कांग्रेस पार्टी को चाहिए, मगर जब भाजपा के नापाक अजायम का ऐलान वो करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ऐलान किया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी खामोश गूंगी बन जाती है।